वीडियो टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कठुआ डिस्टिक बेसिकली यू नो टूरिस्ट प्लेसिज ऑफ कठुआ एंड यहाँ पर हमें मिलता है मणि बसोली और हमारा बिलावो ये तीन एरियाज जो हैं का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली एंड ऑल्सो यहाँ पे टेम्पल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं और जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है लाइक uh, like, हीरानगर में हो गया आ, हर, जो है हरी सिंह और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मॉन्यूमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं सबसे पहला हमारा आता है सुकराला माता जो सुकराला माता है वो कठुआ में पड़ता है ठीक है ये पहली ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे गॉडेस देवी को पूजा जाता है बेसिकली यहाँ पे आ, माता शारदा के रूप में बैठी सुकराला देवी माता जो है ठीक है तो हमें इनकी हिस्ट्री नहीं जाननी है हमें बस ये जानना है कि सुकराला माता कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ती है तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बढ़ती है एंड ये बिलावर से नाइन किलोमीटर दूर है नेक्स्ट हमारे आती है एक सीनिक ब्यूटी राइट तो ये हमारा है सरथल सरथल जो है एक यू नो नेचर को निहारने के लिए और सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है एडवेंचर नेचर सीनिक ब्यूटी ठीक है तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम यू नो स्नो आपको मिलेगी नेक्स्ट हमारा आता है शिव मंदिर दैट इज़ आर्यन अरवान अरवान कह लो आर्यन कह लो uh, ये टेंपल है जो शिव जी का टेंपल है अच्छे से निहारी इसको बहुत चौथी चारवीं शताब्दी में इसको बनाया गया था एंड बहुत पुराना है कहते हैं इनकी जो रिवर जो है बहुत सेक्रेट है अगर आप हरिद्वार नहीं पहुंच पाए टाइम टू तो आप यहाँ पे भी अस्थियाँ अपने प्रवाहित कर सकते हो एक शिवा का टेम्पल है जो परोल से फिफ्टीन किलोमीटर मतलब नियर है नियर बाय है एंड फोर्थ सेंचुरी में इसको बनाया गया था नेक्स्ट हमारी बात आती है माता बाला सुंदरी टेम्पल जो नगरी में पड़ता है बाला सुंदरी जो है वो नगरी में जो पड़ता है वो एक हिस्टोरिकल यू नो श्राइन है बाला सुंदरी जी की ये भी एक uh, गॉडेस है और ये परोल यू uh, नो you know, परोल के आउटस्कर्ट में पड़ता है मतलब बाहर पड़ता है एंड uh, कठुआ से थर्टीन किलोमीटर दूर है आगे हमारा आता है चंचलो माता टेम्पल ये भी एक टेम्पल है जो हमारे यहाँ पे पड़ता है कठुआ में एंड uh, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं चंचलो माता टेम्पल कहाँ पे है किसका मंदिर है कौन सी माता उसमें विराजमान है ये हमें पता होना चाहिए हमारा अब आता है ये मेन है बसौली ब्रिज बसौली ब्रिज जो है हमारा पठानकोट से जो कठुआ वाला जो कनेक्शन है ठीक है पठानकोट से लखनपुर और जो कठुआ से हमारा जो है एंट्री पॉइंट है कनेक्ट कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है यहाँ से रोड्स जो है हमारा स्मूदिंग होती है तो हमारा बसोली ब्रिज इज़ द बिगेस्ट वन एंड ये ब्रिज की खासियत ये है कि ये यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे आप तारें जो है देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यू नो स्ट्रॉन्ग है एंड इस बसोली ब्रिज को बड़ा ब्रिज माना जाता है एंड तीन स्टेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं लाइक जम्मू आ, कश्मीर पहले स्टेट थी तो एंड फिर हमारी आती है पंजाब हिमाचल प्रदेश तीन आ, स्टेट्स यहाँ पे देखने को मिलती है हालांकि अभी यूटी है तो यहाँ पे आप निहार सकते हो नेचर को और इसके नीचे ब्रिज के नीचे हमारी रावी रिवर्स है वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है सनसेट और आ, जो जो ना अदर इसको अटल सेतु कहा गया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बनाया गया है हमारे पास एक और सीनिक ब्यूटी आती है दैट इज डगहर यह भी एडवेंचर या यू you नो know, नेचर और सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है एंड नेक्स्ट हमारे पास है हमारा जूनिया वाली माता जूनिया वाली माता भी एक ये भी हम याद कर लेंगे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है स्मॉल टाउन है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है और जो यहाँ का जो इलाका है बहुत ही अलग है प्लेनर एरिया से ये बहुत मतलब कि पहाड़ी इलाका है बनी और यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदू मैक्स नेक्स्ट में देखा जाए तो हिंदू पीपल्स हैं बट ये जो है कश्मीर से कम नहीं दिखता मतलब कि कश्मीर जैसा ही है कह सकते हैं कि डेंस फॉरेस्ट में पाया जाता है एंड बहुत पहाड़ों के बीचों बीच ये हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट हमारा पास आता है चतर गला चतरगला या चतर गला ये एक ट्रैकिंग यू you नो know, अगर आपने भद्रवाह तक जाना है भद्रवा डोडा में पड़ता है और जो हमारा ये बनी है बनी से सरथल और सरथल से भद्रवा जाना है तो ये एक अच्छा ब्यूटीफुल ट्रैक है जो हमें पहाड़ों के बीचों बीच से जाने का मौका प्रदान करता है और इससे हमें नेचर का जो आभास है वो भी देखने को मिलता है एंड सेम एट द सेम टाइम यू नो ट्रैकिंग करने का जिसको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आ सकता है तो ये कुछ जो है ट्रैकिंग पॉइंट्स दिखाए हमने अभी आपको चित्रकला हो गया बणी हो गया हमारा झूरियाँ वाली माता हो गई डगर हो गया ये भी एक ट्रैक देख सकते हैं अटल सेतु ब्रिज हो गया चंचलो माता टेम्पल हो गया माला माता बाला सुंदरी टेम्पल हो गया नगरी में जो पड़ता है एंड जो हमारा अर्बन टेम्पल हो गया जो शिवा टेम्पल है एंड सरथल जिसमें हमने अभी बात की कि जो अगर हमने जाना है भद्रवाह तो ट्रैकिंग जो है यहाँ से निकलते हुए हम जा सकते हैं सरथल से और डगर से सरथल और सरथल सो तो सॉरी बनी में सर्थल आई एम जस्ट कन्फ्यूजिंग टू यू ऑल सर्थल से भद्रवा तो ये सारे एरियाज़ हैं कहीं ना कहीं हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं एक और इसमें आता है पुरथू 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 बीच पुर्थ बीच इज़ इम्पोर्टेंट क्यों क्योंकि पुर्थ बीच एक मतलब की दरिया है इसको मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है क्यों क्योंकि एक यू नो ब्यूटिफुल एक लेक है उसके अराउंड वे पीपल कैन स्लीप एंड एंजॉय सीनिक ब्यूटी एंड यू नो पीस है तो पुरथु टॉप इज़ इज़ ऑल्सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी जो है जसरोटा जसरो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी देखने लायक है यहाँ पे जूल्स वगैरह हैं बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे रखे गए हैं तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं और अगर हम बात करें तो हमारा बिलावर बिलावर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिलावर की अगर हम डीप स्टडी करें तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे आ, ठीक है तो आगे हम बात करेंगे इसकी थोड़ा तो आपने बसोली ब्रिज देखा ही होगा अगर नहीं देखा है तो दर्शन कर लीजिए जम्मू दर्शन में इसके हमने सीधा आपको गूगल से आपको सर्च करवाया है ये हमारा ब्रिज हो गया लाइक ठीक है बसोली ब्रिज इसे कहा जाता है एंड ये इसकी सीनिक ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अटल सेतु इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे पिक्चर्स अटल सेतु बसौली ब्रिज दोनों हम कह सकते हैं इसको और ये मतलब कि एक ब्यूटीफुल है यहाँ पे एक लोग यहाँ पे इसको निहार सकते हैं आ सकते हैं यानी ये बन चुका है एंड uh, तो यहाँ पे आप बनी देखो बनी वैली कैसी है एकदम पहाड़ हैं और मतलब कि बीचों बीच पहाड़ों के बीचों बीच ही हम लोग रहते हैं किस तरह से रहते होंगे इमेजिन कर सकते हो ठीक है और हमने ट्रैक्स देखे थे ठीक है सरथल ट्रैक हो गया और ये हमारा बनी का कुछ एरिया है जब ट्रैकिंग करने लोग निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ये हमारा वैली का कुछ पार्ट हो गया फिर ये हमें हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे मौसम बहुत नरम होता है तो अच्छे से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भिड्डें चल रही हैं <laughs> तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होता है एंड तो पुरथ बीच के बिना हम नहीं जा सकते यहाँ से तो मिनी गोवा भी कहा जा सकता है यहाँ पे ये हमारा पुर्थू बीच हो गया इस तरह से जो है हम देख सकते हैं ये एरिया देखिए तो यहाँ किनारे पे लोग आराम से फरमाते हैं शाम के समय में इस तरह से दिखता है सुबह के समय में कुछ और दिखता है तो ये इस तरह से मिनी गोवा इसको कह, कहा जा सकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सीनिक ब्यूटी है और ये देख सकते हैं पिछले साल का ही है तो जहाँ पे लोग जाते हैं तो ये इंजॉय करते हैं इस ब्यूटी को तो यहाँ तक हमारा सुकराला माता के बिना हम नहीं जा सकते तो हमारी सुकराला माता का मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे एकदम पहाड़ों के बीचों बीच सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती हैं और हमें यहाँ पे माता सुकराला का मंदिर दिखता है ये अगर देखें तो बाहर का इस तरह से कुछ दिखेगा आपको आउटिंग सो आप जा सकते हैं यहाँ पे भी अंदर से आपको इस तरह से दिखेगा सजी हुई धजी हुई माता जी एंड uh, बस तो यहाँ पे हमारा बिलावर हो गया बनी हो गया और पुरथू टाप हो गया माता सुकराला वाला मंदिर हो गया शिव मंदिर जो अरवन कह सकते हैं एंड ये सभी जो पार्ट्स हैं वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं एंड जब हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब हम सेंचुरीज़ की बात करेंगे या नेशनल पार्क की बात करेंगे डैम्स की बात करेंगे रिवर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिल जाएगा तो बेसिकली जो है टेम्पल्स और सीनिक ब्यूटी के लिए कठुआ जाना जाएगा और तो दोस्तों सांबा में हम लैंड कर चुके हैं तो सांबा में सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्स पड़ती हैं सॉरी uh, कौन कौन टाउन से टाउन्स हैं तो गगवाल हो गया राजपुरा कंडी इलाका हो गया और विजयपुर हो गया जहाँ पे हमारा जो है अभी एम्स बन रहा है एंड विजयपुर के बाद बड़ी ब्राह्मणा हो गया तो ये सारे एरियाज़ जो हैं वो में पड़ते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं साम्बा डिस्ट्रिक्ट में, है। में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइक like डोगरा रूलर्स यहाँ पे रूल करते थे वो भी हमें देखने को मिलेंगे और कुछ माउ मौ, मोन्यूमेंट्स मौ, भी मिलेंगे सबसे पहले हम घरवाल की बात करें कठु सॉरी कठुआ के आगे आता है हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हमारा जो मेन टेंपल देखने को मिलता है दैट इज़ श्री नरसिंह देव जी का मंदिर तो नरसिंह मंदिर जो है जन्माष्टमी के दिन विष्णु जी का टेंपल है ये ठीक है जो नरसिंह विष्णु का एक रूप था नरसिंह देव ठीक है तो उसका प्रकट यहाँ पे हुआ है तो ये है नरसिंह मंदिर जो कहाँ पे है गढ़वाल में पड़ता है और नेशनल हाईवे फोर्टी फोर जो है जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर हाईवे पे पड़ता है आगे हम बढ़े तो बाबा सिद्ध कोरिया श्राइन जो है अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे बट एक फ्लो चार्ट हम देख लेंगे किस तरह से यहाँ पे है श्री नरसिंह देव जी का टेम्पल बाबा सिद्ध कोरिया श्राइन है उत्तर बैनी हो गया बाबा चम्बया क्या है ये चम्बयाल हो गया चिची माता हो गया एंड और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं टेम्पल्स अभी हम डीप स्टडी करेंगे इसकी ठीक है व्यू डिटेल्स ओके सो है वी हैव व्यू डिटेल्स तो यहाँ पे अंदर से इस तरह से दिखता है ये ठीक है नरसिंह देव का मंदिर और भी बहुत सारी इसमें पिक्चर्स हैं ओके तो ये गगवाल का मंदिर राष्ट्रमार्ग जो राजमार्ग है उस पर पड़ता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है लोग यहाँ पे आना प्रेफर करते हैं आगे चलते हैं नरसिंह देव के बाद हमारा आता है बाबा सिद्ध का मंदिर जो है इसको चलते हैं बाबा सिद्ध कोरिया का मंदिर तो ये रहा हमारा बाबा सिद्ध कोरिया का मंदिर का दृश्य तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है एक नदी है और बीचों बीच में हमारा जो है मंदिर देखने को मिलता है यहाँ पे लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं अंदर इस तरह से जो है शिवलिंगम की स्थापना की गई है इसके यहाँ अराउंड पीपल्स टू यू नो नहाते हैं धाते हैं और फिर फिर देख के आशीर्वाद लेते हैं और ये जो मंदिर है आ, कुल देवताओं की अध्यक्षता पे होता है आगे चलें ये हमारा हो गया तो अगला हमने देखा यहाँ पे उत्तरवैनी मंदिर ठीक है उत्तरवैनी कहाँ पे पड़ता है ठीक है उत्तरवेणी टेंपल की कुछ पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे यू you नो know? उत्तरवैनी एक रिलीजियस प्लेस है और ये देविका रिवर के बैंक पे स्थित है देविका रिवर जो है वो हमें देखने को मिलती है ठीक है किसकी ट्रिब्यूटरी है ये हमें पता होना चाहिए देविका रिवर के बैंक पे हमें देखने को मिलता है उत्तर बैनी यहाँ पे लोग जाते हैं एंड ये जो है पाँच किलोमीटर परमंडल से दूर है परमंडल भी जो है वो जम्मू में ही पड़ता है वो आगे हम देखेंगे ये बेसिकली सांबा में जो पढ़ रहे हैं वो वाले हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आता है जय बाबा चमियाल ठीक है होली श्राइन है यहाँ पे हमारा पीर बाबा जी जो है श्राइन ऑन द जीरो लाइन इंडो पाक बॉर्डर इज विजिटेड बाई हंड्रेड ऑफ थाउजेंड पिलग्रम फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इंडिया एज वेल एज फ्रॉम पाकिस्तान अट्रैक्ट वर्ल्ड मीडिया ड्यूरिंग द एनुअल कॉन्ग्रीग्रेशन ओके सो so, ये था हमारा बाबा चम चमली या चमियाल जो भी आप इसे समझते हैं चीची माता को क्या पढ़ाना दोस्तों और चीची माता एक देवी का मंदिर है यहाँ पे नवरात्रों में मेला भी लगता है ये एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे लड़की जा रही है ये वाला एरिया पूरा भरा रहता है यहाँ पे यू यह नो ये वाले एरियाज ये, ये अंदर जो जगह ऊपर देख रही है ये सारी भरी रहती है क्योंकि नवरात्रों में चिची माता का बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस है एंड ये पड़ता है हमारा सांबा कि जब मानसर मोड़ में पहुंचते हैं ना मानसर मोड़ के आगे कुछ आगे वाले क्षेत्रों में देखने को पड़ता है यह था हमारा फर्स्ट दूसरी हम इसमें देखें तो जब हम परिसर में जाते हैं ठीक है तो उस परिसर में हमें ये तीन मंदिर देखने को मिलते हैं और उसके ही साइड में हमें लगी होती है सीढ़ियाँ सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए हमें चीची माता का मंदिर ऊपर है ये नीचे एक बाहर का कह सकते हैं ये बाहर का ही है यहाँ पे शिव जी का जो है शिवलिंग स्थापित है ये उसके ही ये है हमारा मेन जो चीची माता का मंदिर है ये कह सकते हैं ये वाला मंदिर जो है ना चीची माता की बेसिकली ये सांबा में पड़ता है एंड बहुत में यहाँ पे लोग आए होते हैं एंड ये था हमारा चीची माता का मंदिर जो मानसर मोड़ में जहाँ पे हमारा प्रेमनाथ डोगरा कॉलेज है ना उसी के थोड़े दूर में थोड़ा एक किलोमीटर के दूरी पर ये चीची माता मंदिर पड़ता है एंड अगर हम आगे इसकी बात करेंगे तो मानसर मोड़ पे जो हमारा कॉलेज पड़ता है उसी के सामने अगर पहाड़ी वाले इलाके में जाएँ तो हमें मानसर लेक देखने को मिलती है उसकी भी बारे हमें तो ये है हमारा मानसर लेक जो हमारा प्रेमनाथ डोगरा के सामने वाला रास्ता जो पड़ता है उसके ही आगे थोड़ा सा जाएंगे हम तो मानसर लेक देखने को मिलती है ये एक मतलब कि हॉली सेक्रेट है यहाँ पे बहुत सारी मछली आप देख सकते हो यहाँ पे लोग आटा डालते हैं और जो वेडिंग सेरेमनीज होती हैं या कुछ कुल देवताज होते हैं तो यहाँ पे आप जाते हैं कुछ के जो कुल देवताज होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं तो इसीलिए ये मछलियाँ कुछ वहाँ की कुछ ब्यूटी है ये देख सकते हैं इस तरह से जो है पौड़ियों में हमें मछलियाँ देखने को मिलती हैं तो मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाउंटेन है फाउंटेन्स इज़ ऑल्सो द ग्रेटेस्टेंशन ऑफ दीकर ओके सो ये था हमारा मानसल लेक जो हमारा तो ये हमारा मानसल लेक है ये कुछ आउटर एरिया देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसे यू नो आउट लाइनिंग बनी हुई है ठीक है इस तरह से जो है मानसल लेक इज होली लेक यू नो प्र सांबा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे प्रेमनाथ डोगरा और भी तो ये है हमारा मोहर गढ़ ट्रैक जो पीर पंजाल में पड़ता है एंड ये भी हमारा सांबा में पड़ता है बेसिकली इसको बनाया था पांडवों ने अपने को रहने के लिए जगह बहुत पुराना है एंड इसको हम रखेंगे अपनी ही साइड में तो काफ़ी यू you नो know, प्रनिक लग रहा है यहाँ पे घास भी उग गया है उसके ऊपर तो दैट इज नॉट अ बिग डील सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन अट्रैक्शन कौन कौन सी है लाइक दीज यू नो किस तरह से रोड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको एंड यू नो ये आपको पता ही होगा जिसमें हमने अभी बात की थी ठीक तो है तो ये हमारा लेक ऑफ मानसर लेक जहाँ पे जू भी है फाउंटेन्स एंड यू नो पिकनिक स्पॉट है एक तरीके का ये तो सबसे पहले हम उधमपुर पे लैंड कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर आपको दिख रही है तो ये पिक्चर एक मंदिर जैसी आकार में दिखने वाली शंकरी देवता की यू नो साइट है ये एक शंकरी देवता uh, या शंकरी ठीक है तो ये कहाँ पे पड़ता है मीर ब्लॉक पंचैरी में पड़ता है यहाँ इस मंदिर में एक सीट ब्यूटी है वो आप देख सकते हैं मंगूरी केव ठीक है एक केव है जिसमें शिव जी का मंगूरी केव जो है मंगूरी गांव में पड़ता है इसको सोनारा भी कहा जाता है सोनारा द लैंड ऑफ शिव आगे बढ़ें तो ये हमारा आता है शुद्ध महादेव एंड मानतलाई शुद्ध महादेव और मानतलाई मानतलाई जो है वो बेसिकली यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था इसीलिए मानतलाई और जो शुद्ध महादेव है वो शिव जी का ही एक प्लेस है तो ये दोनों एक ही जगह या एक ही स्थान पे हैं तो इसीलिए इन दोनों को एक जैसे पढ़ते हैं यहाँ ये जो मंदिर है वो एक पहाड़ों के बीचों बीच है एंड अराउंड हमें नेचुरल ब्यूटी को भी के साथ साथ हमें रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर मिलती है हिस्ट्री कहती है कि यहाँ पर शिव जी का टेम्पल है बहुत uh, इसके ही यू uh, नो you know, yeah, इसके लाइक फोर्टी टू किलोमीटर जो है पत्नी टॉप हमें देखने को मिलता है पत्नी टॉप भी जो है हिल स्टेशन है जो हमें उधमपुर में ही देखने को मिलेगा वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे हम टेम्पल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्पल्स ये आ गया कोई फोर्ट जैसा लग रहा है ठीक है तो ये आ गया रामनगर फोर्ट ठीक है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और रामनगर फोर्ट भी हमें देखने को मिलता है ये हमारा उधमपुर में पड़ता है यहाँ की जो हिस्ट्री है वो हमें देखने को होगी और साथ ही साथ ये किस आ, बैंक आ, किस रिवर के बैंक पे है तो खुद खुद रिवर जो है वो मिड हिमालय रेंजस से निकलती है एंड उसके किनारे पे ये फोर्ट स्थित है नेक्स्ट भी हमारा इस तरह से जो है किरमची किरमिची जो है एक तरीके की यू you नो know, है भी हिस्ट एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कह सकते हैं ये इसमें किरमिची जो है एक स्मॉल विलेज है ठीक है वहाँ पे ये मोन्यूमेंट देखने को मिलती है आगे बढ़ें देविका तो देविका ये आप देख रहे हैं देविका रिवर पे है देविका रिवर के बीचों बीच ये हमें देखने को मिलता है देविका उधमपुर में बढ़ती है ठीक है ये रिवर जो है किसकी -किस सिस्टर है तो हम इसको देख लेते हैं आगे हम बढ़ेंगे और भी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किरमिची टेंपल जो यह इस तरह से आपको इसकी ब्यूटी देखने को मिलती है ठीक है ये तो हो गया कोई बंदा तो ये सारे हमारे जो हैं कहीं ना कहीं हम ये बताते हैं कि जो हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं ये कौन सा हो सकता है तो ये भी कहीं यू नो बनाया गया है ये एक इस्कॉन टेम्पल है उधमपुर का इस्कॉन टेम्पल आप जानते ही होंगे जो कृष्ण भगवान के साइड से हैं तो तो ये आप देख रहे हैं इस्कोन टेंपल जो कहाँ पे है उधमपुर में देखने को मिलता है इसको कहते हैं नरसिंह अवतार जो अभी हम पट के आ रहे हैं तो इस तरह से है ये स्कोन टेंपल तो यहाँ पे कृष्ण भक्त यहाँ पर रहा करते हैं ये हमारा उधमपुर में पड़ता है आगे चलें तो आगे हमारा आता है शेर बाबा ठीक है शेर बाबा अब यहाँ भी जगह है जो आप इसको एनालाइज कीजिए एक वो है वॉटरफॉल है पीपल कैन एन्जॉय वाटरफॉल हेयर लाइक दिस ठीक है और यहाँ पे जो है पहाड़ी इलाका ठीक है ये तो आपने देख लिया ये जो है कटरा से कहते हैं सैर बाबा जो है वो एक रिलीजियस साइट है यहाँ भी लोग वाटरफॉल के नीचे नहाना पसंद करते हैं ये भी एक एरिया है अगर जीतो अगर जीतो एक ठीक है एक फार्मर थे वो भी उधमपुर में पड़ता है ठीक है ये उनके एक एरिया है ठीक है तो ये लैंडमार्क एरिया है बाबू टेम्पल बाबू टेंपल एक मोनोलिथिक टेम्पल है ठीक है ये हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट भी है ये हमारा किला दिख रहा है तो किला जो है भीमगढ़ किला है भीमगढ़ किला जो है वो आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटी इस तरह से हम देख सकते हैं आगे बढ़ें हमारे पास आता है देवा माई माँ टेम्पल ठीक है तो ये एरिया टेरन है तो टेम्पल बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको इजीली कट टू सी ठीक है तो ये हमारा क्या है जा देवा माई टेम्पल ओके तो आगे हम बढ़ेंगे तो पिंगला देवी श्राइन जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी ये क्या आ गया जो लोग यहाँ पे विजिटर जाते हैं वो यहाँ पे अपनी पिक्चर्स डाल देते हैं हमें फोकस करना है यहाँ पे कलिका टेंपल कलिका टेंपल भी हमें उधमपुर में शिव पार्वती केव श्राइन ठीक है उधमपुर के अराउंड ही हमें मुंगेरी विलेज पे पढ़ने देखने को मिलती है आगे हम बढ़े कंसर देवता कंसर या दंसर दंसर भी है एक तो यहाँ पे आया स्काई व्यू पटनी टॉप वाई एम्पीरियन तो यहाँ पे आप स्काई डाइविंग कर सकते हैं इसी तरह से जो पत्नी टॉप में है जय ये तो बहुत शेषनाग श्राइन जो है कुछ पिक्चर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होती तो हम इसको कर ये है हमारा पत्नी टॉप वाला एरिया ठीक है पत्नी टॉप बेसिकली एक माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे हम देखते हैं स्नोफॉल और ईजी तो दोस्तों पत्नी टॉप जो है एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है ठीक है यहाँ पे लोग बेसिकली अगर कश्मीर में नहीं जा सकते तो पत्नीटॉप होके आइए तो आपको कश्मीर का एहसास एहसास देता है एंड ये जो है ये तो हम जानते ही हैं ये उधमपुर में पड़ता है नेशनल हाईवे वन ए पे पड़ता है और यहाँ पे हैवी स्नोफॉल देखने को मिलती है और आ, कहते हैं कि जो नाग देवता है छः सौ साल ओल्ड टेंपल भी यहाँ पे देखने को मिलता है बेसिकली लोग यहाँ पे नाग को पूजने के लिए ठीक है तो यहाँ पे ये मान्यताएं होती हैं इस तरह से जो लोग हैं ट्रैकिंग करते हैं बहुत मुश्किल होता है यहाँ से यू you नो know, रन करना बर्फ होती है बर्फ को महसूस करने जाते हैं साथ ही साथ इंजॉयमेंट करते हैं अपने अब पत्नी टॉप में क्या क्या है पत्नी टॉप पार्क है यहाँ पे लोग स्नोफॉल को देखना पसंद करते हैं एक नाथा टॉप भी यहाँ पे देखने को मिलता है एक हमारा नाग टेंपल जिसमें अभी अभी हमने बात की कि लोग जो नाग को पूजते हैं कुल देवताज होते हैं जिनके तो वो यहाँ पे बेसिकली नाग टेंपल्स को देखने को जाते हैं ठीक है और उसके साथ ये नाथा टॉप भी हो आते हैं और हमारा पत्नी टॉप पार्क ये तीन एरिया जो है प्रमुख हैं पत्नी टॉप में एंड ये हिल स्टेशन है और विंटर में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि विंटर में हमें यहाँ पे भरपूर मात्रा में स्नो देखने को मिलती है तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से हाउस होटल फैसिलिटीज़ हैं रेस्टोरेंट्स हैं और किस तरह से आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नत्था टॉप की तो नत्था टॉप जो है बेसिकली जो बतनी टॉप एरिया पार्क एरिया है फोर्टीन किलोमीटर से दूर है और ये जो है यहाँ से हम नत्था टॉप से किश्तवाड़ का व्यू देख सकते हैं किश्तवाड़ एरिया देख सकते हैं किरमची टेम्पल हमने देखा था किरमची टेम्पल जो है जो है ये सेवन टेम्पल्स मिलके बनते हैं ये है एरिया तो ये काफ़ी ब्लर है हम तो यहाँ पे हमारा आता है बबोर टेंपल जो काफ़ी ज़्यादा पुराना टेंपल है ठीक है वो टेम्पल जो है हमें उधमपुर में देखने को मिलता है ये क्रमिची टेम्पल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेवन टेम्पल मिल के बना है क्रमिची टेम्पल क्रमिची जो क्रमिची टेम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इंटीरियर्स अच्छे से यू नो पास से जो आपको खूबसूरती दिलाता है आपको दिमाग में सेट कर देता है कि भाई इस तरह से दिखता है ये हो गया हमारा किमची टेम्पल ठीक है और हमारा इस्कोन टेम्पल भी हमने देखा था ये हमारा ठीक इस है इसको टेम्पल है इस्कोन टेम्पल जो उधमपुर में पड़ता है बहुत सारे जो कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप ठीक है तो ऐसा नहीं कह सकते कि अपना एक और टेम्पल आ गया हमारा भाई मानवल टेम्पल मानवल टेम्पल मानवाल कहलो नंद बाबूर टेम्पल इसको कहा जाता है ठीक है किस तरह से इसकी कारीगरी है ये कहीं ना कहीं जो मोन्यूमेंट्स होते हैं वो सरकार की देख में हो रहे होते हैं ठीक है इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पौड़ियाँ ठीक है बिल्लों की पौड़ी तो बिल्लों की पौड़ी पत्नी टॉप में पड़ता है ये भी एक होली श्राइन है ये देख लीजिए ठीक है बहुत सारी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे पिक्चर्स ये उधमपुर में पड़ता है एक होली श्राइन है जो बेसिकली एक पहाड़ है या कह लो एक पहाड़ी क्षेत्र है उसी को खोद कर यहाँ पे छोटी सी पौड़ी बनाई है ठीक है तो ये थी हमारी बिल्लों की पौड़ी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस तरह से जो है पत्नी टॉप के एरियाज के पास ही हमें देखने को मिलती है ये है हमारा पिंगला देवी श्राइन जो यू you नो know, पिंडियों में हमें देखने को मिलेगा पिंगला देवी श्राइन जो है ये हमारा यू uh, नो you know, उधमपुर uh, में पड़ता है और ये एक रिलीजियस साइट है और इस तरह से जो है पाँच छः सात आठ कितनी है कितनी पिंडियाँ हैं हमें ये देखने को मिलेंगी पिंगला देवी तो इस तरह से जो माताएँ हैं उनके चेहरे को बनाया गया है और उसमें श्रृंगार किया जाता है पिंगला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंगला देवी श्राइन को जाने के लिए हमें यू नो इस तरह से हमें सीढ़ियों पर जाते जाते हमें और इस तरह से हमें माता की पिलग्रम्स देखने को मिलती है एंड दोस्तों अब ये हमारा उधमपुर पता है तो दोस्तों आपको पता है जो हमारा चनैनी नशरी टनल है वो बेसिकली हमारा जो चुनैनी जगह है वो कहाँ पे पड़ती है उधमपुर पे तो चुनैनी नशरी टनल जो है वो उधमपुर से स्टार्ट होता है दोस्तों तो उधमपुर में पड़ने वाला चुनैनी जगह उससे साथ होता है तो चुनैनी नशेरी टनल इज़ द लॉन्गेस्ट रोड टनल इसको हम श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं तो ये था हमारा उधमपुर का डोर हमने उधमपुर आपको पूरा दिखा दिया है दोस्तों इस तरह से हमें उधमपुर देखने को मिलता है बहुत सारी रिलीजियस साइट हमने देखी इसमें ठीक है एंड हम नहीं भूल सकते कि उधमपुर एकदम ब्यूटिफुल है यहाँ पे रिलीजियस साइट के साथ साथ बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हमने देखने देखने को मिले एंड बहुत सारी चीज़ श्राइन्स हमने देखी ठीक है ये रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए इस तरह से आप रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं पहाड़ पहाड़ी इलाका के साथ हम यहाँ पे टूरिज़म इस बूस्ट अप यू नो पत्नी टॉप वाला एरिया हो गया लाइक बहुत सारे हमने श्राइन्स देखे तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कठुआ ठीक है कठुआ में कौन कौन से क्षेत्र हैं सांबा में हमने देखा ठीक है चीची माता बहुत सारे यू you नो know, टेम्पल्स देखे उदमपुर भी हमने कुछ देखा ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो हमने डेस्टिनी डेस्टिनेशन देखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हिस्टोरिकल uh, फोर्ट्स हो गए मोन्यूमेंट्स हो गए और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे किस तरह से है और भी हमने जो हमें छूट गया है वो हम और वीडियो में देखेंगे तो आज हमारी थ्री डिस्ट्रिक्स कंप्लीट है ऑलमोस्ट ठीक है तो ऑलमोस्ट हमारी थ्री डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट लाइक कठुआ जो जहाँ से हम चलते हैं फिर हम पहुँचते हैं सांबा में फिर सीधा हम जंप करके जम्मू के ऊपर हमारा पड़ता है उधमपुर जिसमें हमने चुनैनी नशहरी टनल देखा और भी बहुत सारी चीज़ें देखी आ, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जम्मू के बारे में तो जम्मू को जानने से पहले जम्मू में बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक like, बाहू फोर्ट हम देख सकते हैं यू you नो know, देखो अभी दिवाली आई भी नहीं है पहले ही लोगों ने शुरू कर दिए ये सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो दिस वीडियो इज़ जस्ट यू नो थ्री डिस्ट्रिक्ट्स सो वी विल कंप्लीट डिस् वन बाय वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो होके ही रही थैंक यू फॉर